Saadat, Hasan, Manto. Can I get the mic? I don't know. सादत हसन मंटो साहब की एक कहानी है शरीफन, मैं आपके सामने पेश करूंगा. नॉट ए गोस्ट स्टोरी बट वेरी गुड स्टोरी एंड इन कंटेक्स्ट इट गोज वेरी वेल. लिटिल बैफलिंग इन इट्स नेचर एंड देयर आर सम वर्ड्स जो बहुत ज़्यादा इतनी मुश्किल उर्दू नहीं है इस कहानी में, बट कुछ वर्ड्स है जिनको कंटेक्स्ट ऑफ द स्टोरी में खुद ही समझा जाएगा कि क्या है. सो आई वो ट्रांसलेशन पेश करता हूँ. शरीफन. जब कासिम ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसे सिर्फ एक गोली की झलक मिली जो उसकी दाहिनी पिटली में गड़ गई थी. लेकिन अंदर दाखिल होकर जब उसने अपनी बीवी की लाश देखी तो उसकी आंखों में खून चढ़ाया. करीब था कि वो लकड़ियां फाड़ने वाले गंडासे को उठाकर दीवाना बाहर निकल जाए और कत्ल गारत गिरी का बाजार गर्म कर दे कि दफ़तन उसे अपनी लड़की शरीफन का ख्याल आया. शरीफन, शरीफन, उसने बुलंद आवाज में पुकारना शुरू किया. सामने दालान के दोनों दरवाजे बंद थे. हसन ने सोचा शायद डर के मारे अंदर छुप गई होगी. चुनाचे वो उस तरफ बढ़ा और दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, शरीफन, शरीफन, मैं हूं महाराज बाप. मगर अंदर से कोई जवाब ना आया. कासिम ने दोनों हाथों से कबाड़ को धक्का दिया. पट खुले और वो उन्हें तालाब में गिर पड़ा. संभल कर जब उसने उठना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी कासिम चीख कर उठा. एक गज के फासले पर एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी. नंगी, बिल्कुल नंगी, गोला गोला संडोल जिस छत की तरफ उठे हुए छोटे छोटे पिस्तार. एकदम कासिम का सारा वजूद हिल गया. उसकी गहराइयों से एक फलक शिफाफ चीख उठी. लेकिन उसके होंठ इस कदर जोर से गूंजे हुए थे कि बाहर न निकल सके. उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई. फिर भी उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप दिया. मुर्दा सी आवाज उसके मुंह से निकली, शरीफन, और उसने आंखें बंद की. दालान में उधर उधर हाथ मारा, कुछ कपड़े उठाए और उन्हें शरीफन की लाश पर गिराकर वो ये देखे बगैर बाहर निकल गया कि वो उससे कुछ दूर गिरे थे. बाहर निकलकर उसने अपनी बीवी की लाश न देखी. बहुत मुमकिन है कि उसे नजर ही ना आई हो, इसलिए कि उसकी आंखें शरीफन की नंगी लाश से भरी हुई थी. उसने कोने में पड़ा हुआ लकड़ियां फाड़ने वाला गंडासा उठाया और घर से बाहर निकल गया. कासिम की दाहिनी पिटली पंडली में गोली गड़ी हुई थी. उसका एहसास घर के अंदर दाखिल होते ही उसके दिलो दिमाग से महव हो गया था. उसकी वफादार प्यारी बीवी हलाक हो चुकी थी. उसका सदमा भी उसके जहन के किसी गोशे में मौजूद नहीं था. बार बार उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर आती थी, शरीफन की, नंगी शरीफन की, और वो नेजे की अनी बन बन कर उसकी आंखों को छेदती हुई उसकी रूह में भी शिगाफ डाल देती. गंडा सा हाथ में लिए कासिम सुनसान बाजारों में उबलते हुए लावे की तरफ पहल बहता चला जा रहा. चौक के पास उसकी मुठभेड़ एक सिख से हुई. बुरा कड़ील जवान था, लेकिन कासिम ने कुछ ऐसे बेतुकेपन से हमला किया और ऐसा भरपूर हाथ मारा कि वो तेज तूफान में उखड़े हुए दरख्त की तरह जमीन पर आ रहा. कासिम की रगों में उसका खून और ज्यादा गर्म हो गया और बजने लगा, तड़ 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 तड़, जैसे जोश खाते हुए तेल पर पानी का हल्का सा छींटा पड़ जाए. दूर सड़क के उस पार से चंद आदमी नजर आए. तीर की तरह वो उनकी तरफ बढ़ा. उसे देखकर उन लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए. कासिम ने जवाब में अपना नारा लगाने की बजाय उन्हें माँ बहन की मोटी मोटी गालियां दी और गंडासा ताने उनमें घुस गया. चंद मिनटों ही के अंदर तीन लाशें सड़क पर तड़प रही. दूसरे भाग गए, लेकिन कासिम का गंडासा देर तक हवा में चलता रहा. असल में उसकी आंखें बंद थी. गंडासा घुमाते घुमाते वो एक लाश से के साथ टकराया और गिर पड़ा. उसने सोचा कि शायद गिरा लिया गया है.
चुनाची उसने गंदी गंदी गालियां देकर चिल्लाना शुरू किया, मार डालो मुझे। लेकिन जब कोई हाथ उसे गर्दन पर महसूस न हुआ और कोई जर्ब उसके बदन पर न पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोल और देखा कि सड़क पर तीन लाशों और उसके सिवा कोई भी नहीं। एक लपटे के लिए कासिम को मायूसी हुई क्योंकि वो शायद मर जाना चाहता था, लेकिन एकदम शरीफन, नंगी शरीफन की तस्वीर उसकी आंखों में पिघलते हुए शीशे की तरह उतर गई और उसके सारे वजूद को उसके सारे वजूद को बारूद का जलता हुआ फलीता बना गया। वो फौरन उठा, हाथ में डंडा सा लिए और फिर खोलते हुए लावे की तरह सड़क पर बहने लगा। जितने बाजार कासिम ने तय किए सब खाली। एक गली में दाखिल हुआ लेकिन उसमें सब मुसलमान थे। उसको बहुत कोफ्त हुई, चुनाचे उसने अपने लावे का रुख दूसरी तरफ फेर दिया। एक बाजार में पहुंचकर उसने अपना गंडा सा ऊंचा हवा में लहराया और माँ बहन की गालियां उगलना शुरू की। लेकिन एकदम से उसे बहुत ही तकलीफ का एहसास हुआ कि अब तक वो सिर्फ माँ बहन की गालियां ही दे रहा था। चुनाचे उसने फौरन बेटी की गालियां देना शुरू की और ऐसी जितनी गालियां उसे याद थी सबकी सब एक ही सांस में बाहर उलट दी। फिर भी उसको तशफी न हुई। झुंझला कर वो एक मकान की तरफ बढ़ा जिसके दरवाजे के ऊपर हिंदी में कुछ लिखा। दरवाजा अंदर से बंद था। कासिम ने दीवानावार डंडा सा चलाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में दोनों कवाड़ रेजा रेजा हो गए। कासिम अंदर दाखिल हुआ, छोटा सा घर था। कासिम ने अपने सूखे हुए हल्क पर जोर देकर फिर गालियां देना शुरू की, बाहर निकलो बाहर निकलो। सामने दालान के दरवाजे में चिड़चिड़ाहट पैदा हुई। कासिम अपने सूखे हुए हल्क पर जोर देकर गालियां देता रहा। दरवाजा खुला, एक लड़की नमदार हुई। कासिम के होंठ भींच गए। गरज कर उसने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने खुश होकर जुबान फेंक जवाब दिया, हिंदू। कासिम टलकर खड़ा हो गया। शोला बार आंखों से उसने लड़की की तरफ देखा जिसकी उम्र 14-15 बरस की थी और हाथ से गंडा सा गिरा दिया। फिर वो उत्ताप की तरह जटा और उस लड़की को धकेल कर अंदर दालान में ले गया। दोनों हाथों से उसने दीवाना मार कपड़े नोचे शुरू किए। दजियां और चंदियां यूं उड़ने लगी जैसे कोई रुई धंग रहा। तकरीबन आध घंटा कासिम अपना इंतकाम लेने में मसरूफ रहा। लड़की ने कोई मजामत न की इसलिए कि वो फर्श पर गिरते ही बेहोश हो गई। जब कासिम ने आंखें खोली तो उसके दोनों हाथ लड़की की गर्दन पे दसे हुए थे। एक झटके के साथ में अलायदा करके वो उठा, पसीने में गर्क। उसने एक नजर उस लड़की की तरफ देखा ताकि उसको एक और तशफी हो सके। एक गज के फासले पर उस जवान लड़की की लाश पड़ी, नंगी, बिल्कुल नंगी, गोरा गोरा संदूल जिस छत की तरफ उठे हुए छोटे छोटे पिस्तान। कासिम की आंखें एकदम बंद हो गई। दोनों हाथों से उसने अपना चेहरा ढांप लिया। बदन पर गर्म गर्म पसीना बर्फ हो और उसकी रगों में खोलता हुआ लावा पत्थर की तरह मुंजमद हो गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी तलवार मुसल्ला मकान के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि दालान में कोई शख्स आंखें बंद किए लरसते हाथों से फर्श पर पड़ी हुई चीज पर कंबल डाल रहा है। उसने गरज कर उससे पूछा, कौन हो तुम? कासिम चौंका, उसकी आंखें खुल गई मगर उसे कुछ नजर ना आया। मुसल्ला आदमी चिल्लाया, कासिम। कासिम एक बार फिर चौंका। उसने अपने से कुछ दूर खड़े आदमी को पहचानने की कोशिश की मगर उसकी आंखों ने उसकी मदद न की। मुसल्ला आदमी ने घबराए हुए लहजे में पूछा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कासिम ने लरसते हुए हाथ से फर्श पर पड़े हुए कम्बल की तरफ इशारा किया और खोखली आवाज में सिर्फ इतना कहा, शरीफन। जल्दी से आगे बढ़कर मुसल्ला आदमी ने कम्बल हटाया। नंगी लाश देखकर पहले वो कांपा, फिर एकदम उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। आंखों पर हाथ रखकर वो बिमला बिमला कहता लड़खड़ाते हुए